और चैलेंज हुआ तो फिर मोहन भागवत एंड कंपनी जैसी लोगों को, जो लोग 15-20-30 वर्षों से अभियान चलाए हुए हैं कि भारत के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, अगर ज्यादा उनको मौका मिल गया तो सही माने में बदलाव होकर के वो मनुस्मृति लागू कर देंगे। लेकिन एक अम्बेडकरवादी नेता, संविधानवादी नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ललकारा तो मोहन भागवत एंड कंपनी वालों ने, जो संविधान की समीक्षा की बात कर रहे थे, वो रामचरितमानस की समीक्षा की बात करने लगे। और क्या कहने लगे कि जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई। यानी जो अंबेडकरवाद के रास्ते पर मजबूती से चलेगा, संविधानवाद के रास्ते पर मजबूती से चलेगा, ये फिरका प्रस्त आगते घुटने टेकने को बाध्य हो जाए। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति ने, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर एक व्यक्ति ने ललकारा तो पूरे देश में बवंडर खड़ा हो गया और मोहन भागवत जैसे लोग को घुटना टेकना पड़ा। जिस दिन हमारा ये SC ST OBC समाज, शूद्र समाज ललकारने लग जाएगा, मोहन भागवत जैसे लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब ये संविधान समीक्षा की बात खत्म हो जाएगी।